Very good morning to everyone. Today we are going to start with a new chapter, and that chapter is chapter 16, geometry. And first topic is angles. Two arms are joined at a point such that they are inclined towards each other, and they have an opening between them. Means, jaise hum यहाँ पे टू आर्म्स है, टू आर्म्स कौन सी है, ओ पी और ओ क्यू, ये दोनों आर्म जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट पर जो बनता है उन दोनों आर्म्स के बीच का जो गैप होता है वो होता है आपका एंगल। ये जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर वो दोनों आर्म्स मिलती है उनको उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स, वर्टेक्स ओ। देन आर्म क्या होती है, ओ वर्टेक्स ओ से लेके जो दोनों लाइंस होती है ओ से पी और ओ से क्यू, ये दोनों होती है आपकी आर्म्स। एंगल्स हमेशा टू आर्म से मिलके बना होता है, ठीक है। आर्म का अगर हमें नेम राइट करना है तो आप हमेशा वर्टेक्स पॉइंट से स्टार्ट करोगे, ओ से पी, ओ से क्यू। आप इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते क्यू से ओ और पी से ओ, ये रॉन्ग होगा। आप इसको ओ से क्यू और ओ से पी ही राइट करोगे। देन इसके बाद है नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो तीन सर्किल गिवन है। फर्स्ट सर्किल में दो नीडल है, आपको ये वॉच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सर्किल में दो नीडल है, इसमें एक यहाँ पर है दूसरी यहाँ पर है, तो ये जो बन रहा है एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, और इसको बोलेंगे हम 1/4 रोटेशन ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल की 1/4 रोटेशन होती है 90 डिग्री के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट में देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मीन्स हाफ रोटेशन, ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका हाफ रोटेशन। और ये जो एंगल बन रहा है दोनों साइड में ये है 180 डिग्री का एंगल। इसके बाद में नेक्स्ट ये कंप्लीट रोटेशन, मतलब आपके दोनों नीडल है वो एक ही पॉइंट पर हो, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन। और ये जो एंगल है ये है आपका 360 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, इंटीरियर और लाई ऑन द एंगल। यहां पर आपको एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है, एंगल का नेम है एक्स वाई एंड जेड। अब इस एक्स वाई जेड के अंदर और बाहर कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे अंदर की साइड ए और बी पॉइंट है, बाहर की साइड पी और क्यू पॉइंट है, और इस एंगल के ऊपर सी और डी पॉइंट है। अब हमें पता लगाना है कि इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, और एंगल के ऊपर लाई कौन सा कर रहा है। अब देखो यहाँ पे नेम से हमें पता चल रहा है इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड, और लाई ऑन द लाइन मीन्स जो एंगल के ऊपर है। अब हमें राइट करना है, जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, एक एंगल बना दे और हमें कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट करो, और आपसे पूछिए कि उसमें आप इंटीरियर और एक्सटीरियर और लाई ऑन द लाइन पॉइंट्स बताइए, तो जो अंदर की साइड पॉइंट है वो होंगे आपके इंटीरियर पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे ए और बी, ए और बी है इंटीरियर पॉइंट अंदर की साइड, पी और क्यू है आपके एक्सटीरियर पॉइंट, और सी और डी, सी और डी लाई ऑन द एंगल, एंगल क्यू सॉरी एक्स वाई जेड। इस टाइप से आपको अगर कोई क्वेश्चन दे उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट पूछे तो आप डायग्राम में देखना है इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट राइट करने हैं। और अगर आपसे कोई भी एंगल बना के ये पूछे कि आपको उसकी वर्टेक्स बतानी है, आर्म्स बतानी है, तो आप वर्टेक्स होता है जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं, और आर्म्स होती है जिन दोनों लाइन से वो मिलके बने होते हैं।